हेलो नमस्ते, वेलकम है गाइस आप लोग का एक और नए वीडियो में और रामेश्वर वारिक ब्लॉग्स के चैनल में। आज हम लोग आ गए हैं डेरियोले कैफे। आप देख सकते हो ये रहा उनका आउटलेट। अभी लाइट के वजह से दिख नहीं रहा है पर आप लोग को दिख जाएगा, मैं दिखा दूंगा। और आज हमारे साथ है हमारे एक प्रिय मित्र बिडुदा। आप इनके एक और वीडियो में इनको देखे होंगे जो सिख कबाब वाला वीडियो था। कैसे हो आप लोग, फिर से आ गया हो दोस्त का चैनल में सेल्फ प्रमोशन और दोस्त का YouTube चैनल। भाई फ्री में प्रमोट हो रहे हो तो क्या ही चाप है। फ्री में प्रमोशन कहीं से भी मिल जाए बहुत है, आ जाना चाहिए। चलो तो फिर आज हम लोग यहाँ पे आए डेरियोले कैफे में, जो कि है आपका यहाँ पे क्या बोलूँ सदन एवेन्यू में है। तो शरद चंद्र एवेन्यू पे है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, कुछ खाएंगे और थोड़ा रिव्यू करेंगे कैसा क्या है। अभी तो हम लोग अंदर जाके बात करके आए हैं कि कैसा क्या हम लोग वीडियो शूट कर सकते हैं। नहीं तो स्टाफ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, मतलब वो जो अंकल है बहुत फ्रेंडली है, बहुत मतलब एंगेजिंग है। और यहाँ का लोकेशन है, मतलब आप अगर रविंद्र सरोवर में आएंगे तो वहाँ से आपको लेफ्ट लेके थोड़ा आना होगा शरद चंद्र एवेन्यू। वहाँ से आप डेरियोल किसी को भी बोलेंगे तो उन लोग को मिल जाएगा ये लोकेशन। और अगर यूनिक लोकेशन है और डेरियोल का दो आउटलेट है, एक शेक्सपियर शरोनी में और एक है शरद चंद्र एवेन्यू में। आप शरद चंद्र एवेन्यू में आएंगे क्योंकि इन लोग का ब्रांच थोड़ा मतलब फेमस नहीं है, तो आप आइए और एंजॉय कीजिए इन लोग का बेकरीज और कन्फेक्शनरीज। सही में बोलूँ तो इन लोग का जो एम्बियंस है बहुत ही अच्छा है, पर मुझे पता नहीं क्यों ये इतना फेमस नहीं है जो शेक्सपियर शरोनी वाले से, पर बहुत अच्छा। और अगर आपको इधर आना है, आप मतलब एड्रेस हम लोग जो बोले उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई चाप नहीं है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। आराम से रविंद्र सरोवर मेट्रो से निकलना, किसी से भी पूछना गैलरी गोल्ड ये कहाँ पे है, जहाँ पे फोटो एग्जीबिशन होता है। गैलरी गोल्ड से जो फूड गैलरी गोल्ड से आ रहा है वहाँ पे पूरा स्ट्रेट आ जाना। पूरा स्ट्रेट आते ही देखना दो तीन क्रॉसिंग के बाद एक लेफ्ट क्रॉसिंग आएगा, वहाँ पे एक मकैजो नाम का कुछ होटल जैसा है, वहाँ से लेफ्ट लेके स्ट्रेट आना, आपको डेरियोले मिल जाएगा। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल लोकेशन रहेगा, पिंड है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं डेरियोले कैफे कैसा है। और मैंने जितना एक्सपीरियंस किया हूँ, जितना हाफ घुसा हूँ, तो उसमें मेरे को एम्बियंस बहुत बढ़िया लगा सही में। और मैं एक बार आ चुका हूँ तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और इन लोग का वेल बीइंग बहुत अच्छा लगा। तो बाकी आप ब्लॉग में देखते हो। तो ये तो आया हुआ है और मतलब रिव्यू सुन के ही मैं आया हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। चलो जब हम लोग का पेस्ट्रीज और डोनट्स आ गए हैं, हम लोग खाएंगे अभी। मैं ज़्यादा जोर से बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मतलब दूसरे कस्टमर्स बैठे हुए हैं, तो थोड़ा हम लोग को आस्ते बात करना पड़ेगा क्योंकि फिर उन लोग को अगर उनका पर्सनल स्पेस में हम लोग घुसते हुए नज़र आए तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा हम लोग खुल के जोर से बात नहीं कर सकते, थोड़ा कोजी से भी प्लेस है। तो और जो सामने वाला कस्टमर है थोड़ा लेडीज़ है तो वो एक मैटर करता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग का खाना आ गया है, आप देख लो एक बार, मस्त है। पर टेस्टिंग में टेस्ट कैसा लगेगा वो टेस्ट करके पता चलेगा, पर देखने वाइज मतलब जो क्या बोलते हैं उसको ड्रेसिंग बहुत ही अच्छा है, आप देखो। तो गाइस ये है हम लोग का रेनबो पेस्ट्री बोल के है कुछ, रेनबो केक।
और ये अपना वैनिला पैनकेक है, सॉरी कपकेक है, वैनिला कपकेक। और ये रहा अपना चॉकलेट डोनट्स जो कि मेरा फेवरेट है, और ये भी मेरा फेवरेट है वैनिला पैनकेक। भाई देखने से क्या मज़ा आ रहा है सही में, मुझे तो लग रहा है अभी खा लूँ यार, मैं खा लूँगा। हाँ तो गाइस हम लोग खा के अभी निकल गए वहाँ से, तो बहुत अच्छे लोग थे, तो बहुत बातचीत भी हो गई अच्छे से। और वहाँ पे हम लोग को दो नए सब्सक्राइबर भी मिले, मेरे को सब्सक्राइबर और मेरे दोस्त को फॉलोअर। तो क्योंकि उसका इंस्टा पेज है तो उसका फॉलोअर, मेरे को सब्सक्राइबर, देखो इसकी खुशी देखो। तो हम लोग को हो गया अभी खाना वाना खा लिया, और बहुत ही रिजनेबल है गाइस। मतलब अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको अपनी गर्लफ्रेंड को लेके कहीं बाहर जाना है, कोई कोजी सा कैफे, बहुत अच्छा जगह है जैमिंग करने के लिए। मतलब बहुत अच्छा है गाइस जैमिंग करने के लिए और डेट में आने के लिए। पहला डेट है, गर्लफ्रेंड से मिलना है, जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, आ जाओ यहाँ पर टैडी हॉल पे। बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी, मतलब रोड दी जाओ, इट्स वंडरफुल, 5 out of 5 रेटिंग। नॉर्मली दूसरे कैफे से कंपेयर करो तो बहुत रिजनेबल और बहुत सस्ता भी है कसम से। और अभी हम लोग को दौड़ना पड़ रहा है क्योंकि मेरे इस फ्रेंड का फोटो एग्जीबिशन है। तो ये देखो गाइस, ये जो मकाजो बोल के है रेस्टोरेंट, वहीं से आपको लेफ्ट लेना है। तो फिर इसका फोटो एग्जीबिशन है और इसका अपना फ्रेम लेना है वहाँ से, मतलब वो लोग दे देते हैं तो इसको रिसीव करना। उसी के लिए हम लोग लेट हो चुके ऑलरेडी, तो हम लोग अभी दौड़ रहे हैं। और कसम से गाइस ये बहुत ही रीज़नेबल है, आप आ सकते हो। और वो बीच में अगर मैं बहुत स्लो बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार वहाँ पे अभी मेरा सर फट जाता, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे ऑलरेडी। तो थैंक्स टू डेरियल कैफ़े सदन एवेन्यू, हम लोग को वीडियो शूट करने दिया उन्होंने। उनका स्टाफ एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, मतलब बहुत सही था कसम से यार। और मैं तो और दो चार बार आऊँगा, और मैं जब भी इधर आऊँ तो मैं ये कैफ़े में ज़रूर आऊँगा। और आप लोगों को भी ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इधर आओ यार, गर्लफ्रेंड के साथ आना है आओ। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इन लोग का कैपेचिनो 65 rupees है, मतलब अच्छा पोर्शन और अच्छा क्वांटिटी, ये मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि ये इन लोग का खासियत है। कैपेचिनो 65 rupees में बहुत अच्छा पोर्शन, मतलब एयरपोर्ट जैसा पोर्शन देता है, बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा। उन लोग के साथ जो बेकरीज बोलो, कपकेक्स, ये खुद डोनट खाया है, रोड ये खुद डोनट खाया है, कपकेक खाया है, मतलब अच्छा। और मैं तो रेनबो केक खा चुका हूँ, तो क्या बताएं, बहुत अच्छा, बहुत गाइस, मतलब सही में बहुत सही है। एक कैपेचिनो 65 नॉर्मली अगर आप कोई और कैफेज में जाओगे 100 तो ले ही लेता है एक कैपेचिनो का, नॉर्मल प्राइस 100। मैं एक डोनट खाया, चॉकलेट डोनट था, वो सिर्फ और सिर्फ 50 rupees का था। तो डोनट मैं खाया 50 rupees का था। आप अगर केक लेना चाहोगे, इनका केक बहुत सही है, चॉकलेट कप केक है, वैनिला कप केक है, 40 rupees से स्टार्ट। मैं वैनिला वाला ज़्यादा प्रेफर किया क्योंकि मुझे चॉकलेट इतना पसंद नहीं है, मुझे वैनिला फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो मैं वैनिला लिया। आपको चॉकलेट है तो चॉकलेट लो, चॉकलेट मतलब इनका मिनिमम जो पेस्ट्रीज का रेट है आपका 40 rupees से स्टार्ट है। कोई कैफे में 40 rupees का पेस्ट्री यार सही में थम्सअप है। मतलब मैं ऑलरेडी बहुत कैफेज में जा चुका हूँ, पर वहाँ पे मेरा स्टाफ एक्सपीरियंस एक दो के साथ इतना अच्छा था नहीं, पर यार यहाँ पे मैं खुद आना भी प्रेफर करूँगा। और आप लोग सबको भी बोलूँगा आ जाओ यार,
तो गाइस अभी नहीं भाई चला जाता हूँ। गाना गाने से शायद तक मुझे पता है कॉपीराइट नहीं लगता, गाना बजाने से लगता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना है, जिंदगी ये दोस्ती। अच्छे लोग मिलते हैं अगर आप अच्छे से बात करो, अच्छे लोग मिलेंगे। आप चिड़ के बात करोगे तो आपसे भी चिड़े हुए लोग ही मिलेंगे। की बोल, सही बात है या नहीं? बड़े ये तो सही बात बोला है। अभी निकलते हैं घर, तो चलो बाय बाय। बाय इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय। हम दोनों की तरफ से सबको बाय, सबको सब स्वस्थ रहो, सेफ रहो, खुश रहो, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहो और इस चैनल को एंजॉय करो। तो हाँ, तो गाइस आज के लिए इतना ही था, वीडियो ख़त्म। हैप्पी रहो, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर सब्सक्राइब करो, और वीडियो को यार लाइक करो। क्या कर रहे हो? लाइक करो गाइस, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो बाय।